सितारा चलने चाहिए, क्रूज चलने चाहिए, और हमने गोविंद सागर जो झील है उसको हमने टूरिज्म के लिए नोटिफाई कर भी दिया है। तो अब जब टूरिज्म के लिए नोटिफाई कर दिया तो जो बेचारे शिकारा लेके आना चाहते हैं, क्रूज लेके आना चाहते हैं, मोटर बोट लेके आना चाहते हैं, वाटर स्कूटर लेकर आना चाहते हैं, उन सब का अब स्वागत है, वो ले सकते हैं। आगे BBNB में हमें फ्री रॉयल्टी नहीं मिलती है, जो 12% की फ्री रॉयल्टी नहीं है, उस संदर्भ में मैंने ये कहा कि जगत प्रकाश नड्डा जी से हम भी अनुरोध करेंगे, और वो क्योंकि हिमाचल प्रदेश के या बिलासपुर ज़िले से है, बिलासपुर के कई परिवार इस डैम से प्रभावित हुए हैं जी, कई लोगों को अपना घर से विस्थापन झेलना पड़ा है, तो अगर 12% फ्री पावर की बात अगर हम लोग करते हैं, मैंने तो चिट्ठी लिखी है, और नड्डा जी अगर उसमें चिट्ठी लिखेंगे क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, तो नड्डा जी और हम दोनों सरकारें मिलकर 12% फ्री रॉयल्टी की लड़ाई लड़ सकते। हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जिसमें अनाथ बच्चे जिनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, इस परिभाषा को परिभाषित करते हुए सरकार ही माता, सरकार ही पिता, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। पैदा होने के से साल से लेकर 27 वर्ष तक उनको पूरी सुविधा हिमाचल प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। 7 जुलाई को पहले आपदा आई और आज 25 अक्टूबर को हमने उनका पुनर्वास की योजना को भी लागू भी कर दिया। इतनी स्पीड से पहले कभी कार्य हुआ तो मुझे बताइए। पहले किसी का मकान टूट जाता था, 1,30,000 रुपया मिलता था, पंचायत रिपोर्ट बनाती थी, पटवारी रिपोर्ट बनाता था, फिर उसके बाद वीडियो ऑफिस में जमा हो जाती थी, पैसे पता नहीं कब आते थे। हमने कहा कि 16,000 परिवार जो इस आपदा से प्रभावित है उनको तुरंत प्रभाव से राहत राशि बटनी चाहिए, जिनके पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान हो गया उनको 3,00,000 रुपया, और जिनका आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान हो गया उनको 1,00,000 रुपये की आज अनुदान राशि पहली किस्त के तौर पर चली गई है, और दूसरी किस्त के तौर पर जब वो अपना काम शुरू करेंगे तो वो भी उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी।